इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र जी एक मध्यम वर्गीय गृहिणी की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिलाते हैं, जो अपने पति के परिवार और दूसरों के प्रति ढीले व्यवहार से बहुत नाराज है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार के उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते, वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ें मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ें अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मरज है। बार बार कह दिया साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपत होता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो तुटपुंजियों से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकर भरे हुए मानो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या सोलो आने कोटे जेम, और दरअसल घी से एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए। पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्हीं ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामत के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं, एक चुप सौ बाधाओं को हारती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया, मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ें बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं,
जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरगिट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, दो बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस हजार बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपये तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त तो बस बंगले झांक कर रह जाते हैं? आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरैवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपये मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय भी खुखल ही हैं। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपये के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरे तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है? जरा सा तो घर, मुश्किल से दो पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार हैं? आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायक नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्या ऐसे को मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं है। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। दो एक बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आँख न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गाठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुक गई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और आपका साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय हो उठा। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहे देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिर का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था,
पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है। अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं। मगर इन महाशय को उसे कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात, आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे अपने समीप ना आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कि कोई बात नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज तरीके से रखी हुई है, गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घोरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया है, तुम ढंग तो बताती नहीं उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया, अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घोरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात है, एक दिन मैं जरा मामूली से सवेरे उठ गई और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घोरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उसके हाथों से झाड़ू छीनकर घोरे के सिर जमा दी। हरामखोर को उसी दम बाहर निकाला। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह रही समझ, एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी, एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं, मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़ों तो शायद पुलिस वालों या रसोइयों के घर में हो, मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। अपना वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल में कहीं भेजा भी जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई, पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया, कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों ना नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया, आपने क्या किसी को अपना कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई, इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे,
प्रातःकाल घूमने जाया करते थे वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, पर डरी कि बीमार पड़ जाएं तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितनी विनीत, कितनी परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व है। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को अपना कोट दे दिया है उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्या करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घरवाले के प्रति भी आपको मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों ही के लिए सुरक्षित है। घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ें बाजार से मंगवाऊं, उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उर्ज नहीं। मगर रुपये दे दूं यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती, यह मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक सिंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है, इसलिए तो मैं इन्हें कृपण कहूँगी, अर्षिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि दफ्तर में आप नौकर हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र यह डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप ना उठाएंगे तो कौन उठाएगा। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती है, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देरी हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ काम करते हैं। कोई बड़ा काम आ जाता तो इन्हीं के सर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू, पिस्सू आदि उपाधियां मिल चुकी है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो, इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं? दुनिया का काम मुरैवती और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं है कि वह भी हमसे खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो महत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावता करता है। ऐसे सुरोगियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी। अफसर भी तो मनुष्य हैं, उनके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो, जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे फिरंट रहें।
तो क्या उनके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बातों भी नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है, वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूल से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की बड़ी तंगी हुई, मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा, मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया, रुपये ना आने थे ना आए। कई दिनों के बाद जब मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है, जरा 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब नदारद। जब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते, इतने प्रसन्न चित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ, बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई सिगोफा लिए हुए, मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मौके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे ग्रह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी, यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठे। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचरिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, और इतने विस्तार और गवेषण के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी, जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपये भेजने की मिति मौत की तरह सर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लौंडी दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा, पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी न मिली। मोटे हिसाब में हमें 2000 मिलना चाहिए, 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की 4 गुनी है, रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपये क्यों नहीं देते आप? हे हे हा हा करने लगे, कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाहरी बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाना बिगड़ना नहीं आता, मुझसे पूछते मैं 1 नहीं 1000 बता देती, 1 से 1 बढ़कर कह देते। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात, तकदीर ठोक कर बैठी रही, पड़ोस की एक महिला से रुपये कर्ज लिए, तब जाकर काम चला, फिर भी आप भाई भतीजे की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए, ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी है, ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं, खुदा की पनाह, मगर क्या मजाल है,
कि यह भोदू किसी को कड़ी आंख से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए हैं। मैं घबरा रही थी, किंतु आप निश्चिंत बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई भी जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़कर तैस के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तो किधर से आ गया। तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं, देखना आज कैसी मरम्मत होती है, या आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथों में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई हूँ, कहाँ गया था, कुछ बोलता भी नहीं है। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियाँ घर में छिप जाती है कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा था। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वह क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी, मना किया जाता है, मानते नहीं हो, खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेरा हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा, बच्चे की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए, तुमने डांटा तो नहीं। हाँ, आंसू पोंछ दिए, तुमने मेरी डांट सुनी नहीं, क्या कहना है आपकी डांट का। लोगों के कान बहरे हो गए, लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़के को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत में शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता, कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकौवा। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं, 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके, खून पी जाते हैं। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे, स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय 1/2 घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते। यही नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें,
कभी कभी आप सींगे काटकर बछड़े बन जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही कौन सा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यों घुमाओ, यों गोता दो, यों खींचो, यों ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हैं। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले, तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी आदतें न सिखाइए, आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत, लगे बंगले झाँकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे, लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीसते थे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक से पूछकर मेले ले जाते हैं, चलो चलो वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना, और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते, या अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी एक से एक घातक, गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़ें, पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूले उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारे की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था, आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ ना फैलाए, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसे की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को सतरवा लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली, आपने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वरपक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरणों में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली, यह प्रथा निंद है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपये की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था, यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है,
विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु अपने टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया, खैर कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपये पैसे की जगह जमीन की हो सकती है, पशु दान भी होती है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितनी समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कानों पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक भी दिन पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नहों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दें, तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हो, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके। चाहे वह पहले से कितना ही सुडैल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो, जाने हुए रास्तों से हम निशंक आंख बंद किए जाते हैं। उनके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार ना होंगी। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।